स्टूडेंट्स और आप सब कैसे हो। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, तो इससे पहले हमारे दो लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव टूवर्ड द एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days in a school and the number of tickets sold at the counter on the 1st, 2nd, 3rd, and 4th day was 1094, 1812, 2050 and 2751 respectively. तो एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन हुआ और उसमें कुछ नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड हुई। तो 4 दिन के नंबर ऑफ टिकट्स हमारे पास है, तो हमारे पास फर्स्ट डे कितने टिकट सोल्ड हुई? फर्स्ट डे 1094, सेकेंड डे हमारे पास हुई 1812, थर्ड डे हुई 2050 एंड फोर्थ डे हुई 2751। तो हमें पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। टोटल 4 दिन के अंदर कितनी टिकट सॉल्व हुई, तो हम क्या करेंगे, टोटल टिकट्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे प्लस थर्ड डे एंड प्लस फोर्थ डे करेंगे तो हमें टोटल टिकट्स मिल जाएगी। सो लेट्स डू दैट। सो 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। अब हम इस तरीके से लिखा है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सभी के वंस डिजिट का प्लस करना है। 1 + 0 1 + 2 3 3 + 4 7। तो वंस डिजिट पे क्या लिख दोगे? 7। ठीक है, इतना। नाउ लेट्स मूव टू द टेंथ डिजिट। 5 + 5 कितना हुआ? 10। 10 + 1 11। 11 + 9 कितना हो गया? 20। तो 20 का 0 लिख दिया और 2 चली गई हासिल पे। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड द 100 डिजिट। 7 + 0 7 7 + 8 7 14 14 + 1 15। तो 7 और 8 कितने हो गए? 15। 15 + 0 15 एंड यहाँ पे जो 2 हासिल थी वो भी जोड़ देंगे तो 15 + 2 कितने हो गए? 17। अब 1 हासिल बचा। अब 1000 डिजिट्स पे पहुँचते हैं। 2 + 2 4 4 + 1 5 5 + 1 6 और 1 हासिल 7। तो कितनी टिकट टोटल सॉल्व हुई? 7707। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, सभी के टिकट्स दी गई थी, हमें टोटल पूछा था। जैसे आपके पास अगर 2 रुपये हैं, 1 2 रुपये का सिक्का है, 1 4 रुपये का सिक्का है, 1 5 रुपये का सिक्का है, तो आपके पास टोटल कितने सिक्के, तो आप क्या करोगे, तीनों को मिला दोगे, है ना। सो इट्स लाइक दिस। सो लेट्स मूव टूवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन। शेखर हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स। एक्चुअली शेखर क्या है, एक क्रिकेटर है और उसने बहुत पहले 6980 रन स्कोर किए थे एंड इन टेस्ट मैच ही विशेस टू कम्प्लीट 10,000 रन्स, देन हाउ मैनी मोर रन्स दे नीड। शेखर को 10,000 स्कोर रन करने हैं तो उसे 10,000 स्कोर करने के लिए अभी कितने रन्स बचे हुए हैं? तो मुझे बताओ कि अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो सपोज, ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी तुमने 6 रन मारे हैं, ठीक है, और तुम्हें मार रहे हैं 20 रन, तो तुम्हें कितने रन चाहिए? क्या किया तुमने? 20 - 6 क्या आ गया आंसर? 14। ठीक है, तो हम भी वही करेंगे सेम। तो रन दे नीड और रन शिखर नीड इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 10,000 - 6980। 0 में से 0 गया, 0 यहाँ भी 0 है, तो हम क्या करेंगे, 1 उससे उधार लेंगे।
तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, फिर यहाँ पे हमें मिल गया एक उधारी, तो अब यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पे क्या बचा 9, और यहाँ पे क्या हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, तो कितने रन और चाहिए उसे 3020, ठीक है, इतने रन उसे चाहिए, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। करते हैं थर्ड क्वेश्चन, सक्सेसफुल रजिस्टर्ड वोट्स वॉज 5,77,500, एक इलेक्शन हुआ और उसमें जो मैन सक्सेस हुआ उस सक्सेसफुल मैन के इतने वोट्स हैं, ठीक है, 5 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली, हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,000 वोट्स, सो बाई वॉट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो अगर तुम्हारी क्लास में वोटिंग होती है, ठीक है, यू हैव द 40 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली, तो अगर किसी ने स्कोर किए 30 एंड दूसरे ने किए 10, तो तुम्हारे स्कोर्स तो जो तुम्हारे वोट्स है वो उससे कितने ज़्यादा है, तो तुमने क्या किया 30 माइनस 10 किया, कितने वोट ज़्यादा है तुम्हारे 20, तो हम भी क्या करेंगे जो सक्सेसफुल मैन के जो वोट्स है उसमें से जो दूसरा राइवल है उसके वोट्स माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएंगे कि सक्सेसफुल मैन कितने वोट्स आगे चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कैंडिडेट विन द इलेक्शन बाय वोट्स इज इक्वल्स टू कितना, कितने स्कोर किए सक्सेसफुल मैन ने 5,77,500 माइनस जितने दूसरे कैंडिडेट ने स्कोर किए, कितने किए 3,48,000, ठीक है, माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, एंड अब ये 7, 8 से छोटा, तो 17 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 9। अब यहाँ पे उसने एक उधारी ली थी तो इसके पास से एक कम हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 में से 4 गया 2 एंड 5 में से 3 गया 2, तो इतने वोट्स 2,29,500 वोट्स वो आगे चल रहा है, ठीक है, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन Using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. हमें कुछ digits दिए गए हैं जिससे हमें greatest number form करना है and smallest number form करना है, तो हम कैसे करेंगे, greatest number is equals to, greatest number मतलब सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ा number कौन सा है, 6 है, नहीं है 2 है, नहीं है 7 है, 7 है, सबसे पहले 7, फिर उससे छोटा कौन सा होगा 6, फिर 6 से छोटा कौन सा है 4, 4 से छोटा 3 एंड उससे छोटा 2, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर इसका एकदम ऑपोजिट कर दो, मतलब 2 से स्टार्ट करो लिखना, 2, 3, 4, 6, 7, ये हो गया तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या होगा, डिफरेंस करो, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है। अब देखो 2 है वो 7 से छोटा है, तो हमें इसके पास से हासिल लेनी पड़ेगी, तो ये इसके पास से हासिल ली तो क्या हो गया 12 में से 7 गया 5, इसके पास से हासिल ली तो ये क्या हो गया 2, अब इसके बाजू वाले से हासिल लेनी पड़ेगी 4 से, तो 4 क्या हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, नाउ अब ये इसके पास से हासिल लेगा तो ये 13 में से 4 गया 9 एंड यहाँ पे क्या बचा 5,
5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5. तो मतलब greatest and the smallest numbers के बीच में जो difference है, वो difference है 52,965 का, ठीक है? Now, a machine on an average manufacture 2,825 screw. जो मशीन है वो मैन्युफैक्चर स्क्रू अ डे, एक डे में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है, 2,825, ठीक है? तो हाउ मैनी स्क्रूज इट प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, तो जनवरी में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगी, तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड इट हैज़ 31 डे, ठीक है? तो द स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्या करेंगे हम 2825 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से. अगर हमें इसे इसी तरीके से करना है तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. किस तरीके से, 2825 इंटू 30, तो ये मुझे मिल जाएगा 30 डेज का और एक दिन बचा वो मैं इसमें प्लस कर दूंगी. सो 2825 प्लस कर दिया, ठीक है? अब 30 डेज का क्या हुआ, 3 5 15, एक हासिल, 3 2 6, एक 7, 3 8 24, सो 4 और 2 बचा हासिल, सो 3 2 6 प्लस 2 8, तो हमारे पास ये कितने दिन का आ गया, 30 डेज का आ गया. अब इसी में हम एक दिन का और प्लस कर देते हैं, 2 8 2 5, प्लस करो वंस डिजिट का, 1 से 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 7 15, एक हासिल, 2 plus 4 6 और एक हासिल का 7 and 8. सो द टोटल स्क्रूज विच इज मेट इन द मंथ ऑफ जनवरी इज 87,575, ठीक है? नाउ मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592. किसी सेलर के पास इतने पैसे हैं, 78,592 विथ हर. नाउ शी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 40 रेडियो सेट्स रुपीज 400 रुपीज ईच. मतलब उसने 40 रेडियो सेट्स ऑर्डर किए जिसमें एक रेडियो सेट का जो वैल्यू है वो कितनी है, 1400 है. तो मुझे बताओ, फाइंड द रिमेनिंग मनी, जो वो सेलर है उसके पास कितने पैसे बचे. तो उसके पास पहले कितने पैसे थे, द मनी शी हैड, दी मनी शी हैड, कितने पैसे थे उसके पास, 78,592. अब एक रेडियो सेट का रुपीस 1400 है, तो 40 का कितना होगा, मुझे बताओ. कि अगर तुम्हारे पास सपोज एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट की वैल्यू है वो 5 रुपये है, ठीक है? और तुमने 10 चॉकलेट खरीदी, तो 10 चॉकलेट की कितनी हुई, 50. क्या किया तुमने, 10 into 5. तो वैसे ही एक रेडियो सेट की 1400 है वैल्यू, तो 40 रेडियो की कितनी हुई, सो दी वैल्यू ऑफ 40 रेडियो इज इक्वल्स टू 1400 इंटू 40, ठीक है? तो ये 2 0, ये 1 0, तो 3 0 तो पहले ही आप लगा दो, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करो 14, 4 into 4 16, प्लस 1 4 into 1 4, प्लस 1 56, ठीक है? सो 56,000 के उसके टोटल रेडियो सेट्स की वैल्यू हो गई. अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, लेट सपोज आपके पास 50 रुपये थे, उसमें से आपने 25 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे, 25 रुपये बचे. क्या किया, माइनस किया 50 में से 25 को, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो रिमेनिंग मनी
इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 78,592 में से 56,000 को माइनस करेंगे। चलो करते हैं, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 6 गया 2 एंड 7 में से 5 गया 2। सो शी लेफ्ट 22,592 रुपीज शी हैव। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, सो क्वेश्चन इज टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लोथ चाहिए एक शर्ट के लिए। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। 40 मीटर क्लोथ में से कितने शर्ट स्टिच हो सकते हैं और कितना क्लोथ बचेगा वो हमें फाइंड करना है। इसमें एक और चीज़ दी गई है क्वेश्चन में, नोट इट डाउन, दैट कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जो भी डेटा मीटर में दिया गया है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। देन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सो 1 शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 15 सेंटीमीटर। सो द क्लोथ नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट दैट इज 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हमें 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 into 100 plus 15, तो ये क्या हो जाएगा 200। क्या लिखेंगे, 200 plus 15, सो इक्वल्स टू 215 सेंटीमीटर। ठीक है, 215 सेंटीमीटर हमें चाहिए एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कपड़ा। नाउ वी हैव 40 सेंटीमीटर क्लोथ, तो हम क्या करेंगे, 40 मीटर क्लोथ है, टोटल क्लोथ वी हैव इज 40 मीटर, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 40 into 100 4,000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें से कितने कपड़े बनेंगे, कितने शर्ट बनेंगे वो कैसे पता चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टोटल क्लोथ है दैट इज 4,000 सेंटीमीटर उसको डिवाइड करना पड़ेगा 215 सेंटीमीटर से। सो लेट्स डिवाइड इट। सो द शर्ट्स मेड बाय 40 मीटर क्लोथ इज इक्वल्स टू 215 को हमें डिवाइड करना है 4,000 से। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि 215 में हमें कौन सा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5s are 10, 2 1s are 2 प्लस 1 3 एंड 2 2s are 4, 430 आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो हमारा तो फर्स्ट 3 डिजिट क्या है, 400, तो हमें सबसे पहला नंबर क्या लेना पड़ेगा, 1, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे तो विद दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 400। ठीक है, तो हम 1 लेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा, 215 माइनस करो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 1850। ठीक है, अब ये 0 नीचे उतारेंगे, ये 0 नीचे उतारने के बाद हमें अब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या एक अनुमान लगाना होगा, ऐसे नहीं आप 2 से भी मल्टीप्लाई करके देखोगे, 3 से भी मल्टीप्लाई करके देखोगे, 4 से भी, डायरेक्ट कोई भी एक वैल्यू लो। लेट्स सपोज 6, 6 2s are 12, 18 से 12 बहुत दूर है तो हम 6 नहीं करेंगे। 7 से करो, 7 2s are 14, 14 भी बहुत दूर है। अब 8 2s are 16, 16 से हम करके देख, सॉरी 8 से करके देखेंगे, चलो देखते हैं, 8 5s are 40, 4 हासिल, 8 1s are 8 प्लस 4 12, 1 हासिल, 8 2s are 16 प्लस 1 17। अब देखो 1720 आ गया। अब अगर हम 9 से करते तो क्या होता, चलो चेक कर लेते हैं, 9 से भी,
9 5 जा 45, 4 हासिल, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, 1 हासिल, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, विच विल बी ग्रेटर देन 1850. इसलिए हम अब क्या लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, 8 लेंगे. और हमने यहाँ 8 लिख दिया, हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आया था, 1720, तो हम 1720 लेंगे. ठीक है, अब माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 130. तो अब हमारे पास कितने शर्ट्स प्रिपेयर होंगे, 18 शर्ट्स विल बी मेड फ्रॉम 40 मीटर क्लॉथ, एंड कितना कपड़ा बचेगा, सो 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिमेनिंग. ओके, सो हियर दिस लेक्चर विल बी ओवर, एंड नाउ आपको दो चार क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं. अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन द एक्सरसाइज 1.2, इन द एक्सरसाइज 1.1, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और आपको इस एक्सरसाइज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपके कुछ दोस्त हैं उन्हें शेयर भी करें, एंड सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच.